हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। तो आज पापा घर पे आ गए हैं, तो मैं इतने दिनों से बोल रही थी रिडल पूछूंगी। पापा को काम था, तो आज पापा फाइनली घर पे आ गए हैं और टाइम है पापा से रिडल पूछने का। देखते हैं पापा आंसर बता सकते हैं या नहीं। तो फ्रेंड्स जल्दी चलते हैं और पापा से पूछते कैसे पापा से पूछते रिडल और देखते हैं क्या वो जवाब दे सकते हैं या नहीं। चलो पूछना है रिडल। रिडल का मतलब पहेली। अच्छा चलो पूछो, क्या पहेली है आपकी? पहेली देखते हैं, अगर आसान होगी तो जल्दी से दे देंगे। मुझे भी तो बचपन में तो बहुत जवाब पहेली के जवाब दिए थे, अब तो इतना टाइम हो गया तो थोड़ा अगर कोई मुश्किल है तो दिमाग भी लगाना पड़ेगा अभी, ताकि मैं बात सोचूँ कि आसान हो तो ज़्यादा सही है। अरे पापा बहुत ही आसान है। अच्छा चलो पूछो अब रिडल। अच्छा पापा मेरी रिडल ये है कि अगर एक घूंगे को पानी मांगना हो तो कैसे मांगेगा? अच्छा एक घूंगे को पानी कैसे मांग रहा है? बस हवा निकल गई, बस हवा निकल गई। खड़ा है इधर रेलवे स्टेशन पर, बस अड्डे पे, एयरपोर्ट पर, कहाँ खड़ा है वो? उसको कैसे पानी मांग रहा है? बड़ बड़े बाबा, अरे देवा ये गड़बड़। अरे पापा वो घर पर है। अरे वो किसके घर पे है? अपने घर पे या पड़ोसियों के घर पर? उफ पापा अपने घर पर। अरे यार अगर अपने घर पे है तो उसको प्यास कैसे लगी? पापा जी गुड़िया। अरे पापा उसको सिर्फ पानी चाहिए और कुछ नहीं, जैसे हर किसी को प्यास लगती है वैसे उसको भी प्यास लग गई। अच्छा 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 ठीक है, तो उसको ठंडा पानी चाहिए या सादा पानी चाहिए? साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। कोई भी पापा। ओके ओके अच्छा इतना परेशान क्यों हो रही हो? अच्छा ये बताओ उसको मिनरल वाटर चाहिए या टैप का वाटर भी चलेगा उसको? कोई सा भी। अरे यार वो गूंगा है, मासूम तो नहीं है, घर में जाके खुद उठ के पी लेगी, इसमें क्या प्रॉब्लम है? हाँ पापा मासूर है वो, नहीं उठ के जा सकता पीने पानी। अरे यार अभी वो गूंगा भी था, अभी मासूर भी गया इतनी जल्दी, वो मासूर कैसे हो गया इतनी जल्दी? या खुदा क्या हुआ बुढ़िया, सिर में दर्द हो रहा है? सिर में दर्द हो रहा है? नहीं पापा बहुत मजा आ रहा है, तो दिमाग का दही कर रहे हो। किसके दिमाग का दही कर रहा? उसको जिसको पानी चाहिए घूंगे को। अरे बाबा मेरे दिमाग का दही कर रहे हो। अरे तुम्हें दही किसने ला के दिया जो तुम्हारे दिमाग का दही हो रहा? उसने क्या घूंगे ने ला के दिया तुम्हें? पापा क्या हुआ गुड़िया, गले में दर्द हो रहा है? क्या हुआ गुड़िया, क्यों नाराज हो गई? उस तरफ किसको देख रही हो? अपने दोस्त गूंगे को देख रही हो क्या? क्या हुआ जानू, क्यों बड़बड़ा रही हो? क्या बड़बड़ा रही हो? कुछ नहीं। अच्छा बापू नाराज मत हो, अपनी रिडल दोबारा पूछो, पहली दोबारा पूछो। क्या थी वो कि लंगड़ा को पानी कैसे चाहिए, अंधेरे को कैसे पानी चाहिए, कैसे मांगेगा, ये रिडल थी ना? लूला लंगड़ा अंधा गूंगा सब कुछ है, उसको पानी नहीं चाहिए, पानी नहीं चाहिए। बिटिया जवाब तो लेती जाओ। अरे बाबू बड़ा आसान सा सवाल है और जवाब भी बहुत आसान है, गूंगा था, हाथ से लिखकर भी मांग सकता था अगर वो पढ़ा लिखा है, नहीं तो वो हाथ के इशारे से भी
क्षमा नहीं मांग सकता है किसी से। कैसा लगा मेरा मजाक? पापा अगर आपको इसका जवाब पता था तो आपने इतने खिचड़ी क्यों बनाया और मेरे दिमाग का दही क्यों किया? अरे बेटा आपको मालूम है खिचड़ी में दही डाल के खाते हैं, इसलिए मैंने खिचड़ी भी पकाई और साथ में आपके दिमाग का दही भी किया। ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। हाय फ्रेंड्स, आप लोगों को कैसी लगी हम लोग ये जुगलबंदी? अभी तो ये पार्ट वन था, नेक्स्ट पार्ट टू भी आ रहा है। आप कमेंट करिए, बताना आपको कैसे लगा ये, और पार्ट टू जल्दी से आने वाला है तो देखते रहिएगा पार्ट वन और पार्ट टू को। अभी पार्ट वन में तो मैंने मरियम के दिमाग का दही किया, अभी देखते हैं पार्ट टू में क्या पापा के दिमाग का दही या ये लस्सी बनाएंगे पापा के दिमाग का। अभी प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक, प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स और सब्सक्राइब आवर चैनल बाय शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट यू गाइस आर सपोर्टिंग अस। थैंक यू एंड सपोर्ट अस लाइक दिस ओनली, ओके।